पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले 8 स्टोन क्रेशर हुए सीज, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। बता दें कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले क्रेशर संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर टास्क फोर्स ने 8 क्रेशर में दबिश दी। मौके पर प्रदूषण रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाने पर सभी को सीज कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका अधिवक्ता बी के माला एवं अतुल कुमार जैन के द्वारा दायर की गई थी। 28 मई 2023 को न्यायालय में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 24 जुलाई 2023 तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी नोटिस के बाद रीवा जिला का खनिज विभाग, प्रदूषण और पुलिस विभाग एक्टिव हुआ। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर एक टीम बनाकर प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रेशर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टास्क फोर्स ने कई स्टोन क्रेशर की जांच की। मौके पर प्रदूषण रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। स्टोन क्रेशरों के चारों तरफ पौधारोपण और दीवार भी नहीं मिली। पानी की सिंचाई भी नहीं की जा रही थी। इससे आसपास प्रदूषण फैल रहा था। इस लापरवाही पर संयुक्त टीम ने 8 क्रेशर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सभी को सीज कर दिया गया है। टास्क फोर्स ने 8 क्रेशर सीज किए हैं। इसमें ओम श्री राधे राधे स्टोन क्रेशर, महादेव स्टोन क्रेशर खमरिया, प्रदीप पांडे स्टोन क्रेशर खमरिया, रुद्र स्टोन क्रेशर खमरिया, पांडे स्टोन क्रेशर भोलगढ़, जगदम्बा स्टोन क्रेशर, सुनील द्विवेदी स्टोन क्रेशर, मध्य स्टोन क्रेशर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि स्टोन क्रेशर संचालकों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कई निर्देश जारी किए गए थे। स्टोन क्रेशर से धूल उड़ती है, इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता है। धूल और डस्ट से लोग बीमार होते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल से कई मर्तबा निर्देश और आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी क्रेशर संचालक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त कदम नहीं उठाते। क्रेशर स्थल के चारों तरफ दीवार बनाने के निर्देश हैं। पौधारोपण भी करना है, धूल न उड़े इसके लिए भी पानी का छिड़काव भी किया जाना है। इनका कहीं भी पालन नहीं किया गया। बता दें कि रीवा जिले में क्रेशर सैकड़ों की संख्या में संचालित होते हैं। इनकी मॉनिटरिंग करने वाले विभाग ही लापरवाही करते हैं। इसी वजह से क्रेशर संचालक मनमानी पर उतारू हो जाते हैं। रीवा में अवैध परिवहन का भी बोलबाला है। रीवा से यूपी हजारों टन गिट्टी अवैध तरीके से भेजी जाती है। टीपी में भी खेल किया जाता है। बिना टीपी के गिट्टी शहर से लेकर गाँव और दूसरे राज्यों तक में खपती है। ओवरलोड वाहन गुजरते हैं लेकिन इन्हें पकड़ने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। ग्रीन ट्रिब्यूनल नोटिस के बाद ही विभाग एक्टिव हुआ है।